तो आज के इस वीडियो में हम सर्वाइव करने वाले 100 डेज इन वन ब्लॉक, वो भी हार्डकोर में। और इस वीडियो में मैं काफी सारी चीजें भी बिल्ड करने वाला हूँ। इस वर्ल्ड को मैं ऐसा से ऐसा कर दूंगा और ये इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। तो क्या मैं इस वर्ल्ड में 100 डेज सर्वाइव कर पाऊंगा, जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और वीडियो तुम्हें अच्छी लगी तो यार वीडियो लाइक कर देना। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइज, डे वन को मैं स्पोन हो गया था इस वन ब्लॉक में। उसके बाद मैंने इस ब्लॉक को तोड़ा और मुझे कुछ इंस्ट्रक्शन मिले। उसके बाद मैंने ब्लॉक को तोड़ना कंटिन्यू किया और मैं लेवल वन पे आ चुका था, जो कि फॉरेस्ट था। और इस वन ब्लॉक में टोटल 10 फेजेस है। उसके बाद मैंने डिग किया तो गाइज मुझे एक चेस्ट मिल गया, जिसमें मुझे 2 कैरेट, 2 बीच की सैपलिंग्स और सीड्स मिल गए, जिन सबको मैंने ले लिया। उसके बाद मैंने माइनिंग करना स्टार्ट किया और मुझे यहाँ पम्पकिन मिल गए। तो गाइस मुझे जो डर्ट मिले थे उससे मैंने अपने एरिया को थोड़ा एक्सटेंड किया। उसके बाद मैंने यहाँ पे चेस्ट रख दिया, लेकिन यार ये कुछ ज्यादा ही जगह ले रहा था तो मैं इसे दोबारा कलेक्ट करने लगा और गाइस ये चेस्ट तो नीचे ही गिर गया। उसके बाद मैंने माइनिंग को कंटिन्यू किया और मुझे जो डर्ट मिले उससे मैंने अपने एरिया को थोड़ा और एक्सटेंड किया। और मुझे जो बीच की सैपलिंग्स मिले थे उसे मैंने यहाँ प्लांट कर दिया। और माइनिंग करते करते मुझे एक और चेस्ट मिलता है, जिसमें कुछ कैरेट और सैपलिंग्स थे और कुछ पम्पकिन के सीड भी थे। उसके बाद मैंने माइनिंग को कंटिन्यू रखा और मुझे एक रेयर चेस्ट मिलता है, जिसमें कि गाइस डायमंड के समान थे। वाओ, ब्यूटीफुल। और गाइस हमें तो डायमंड का सामान बड़ी आसानी से मिल गया, जिसमें मुझे डायमंड की लेगिंग्स, डायमंड की हेलमेट, 2 डायमंड, 1 डायमंड की स्वॉर्ड और कुछ गोल्ड और एक एन्चेंटमेंट टेबल मिल गया, जिन सबको मैंने ले लिया। उसके बाद मैंने एक क्राफ्टिंग टेबल बना लिया और एक वुडन का सवल तैयार कर लिया, जिससे मुझे डर्ट कलेक्ट करने में आसानी हो रही थी। उसके बाद मैंने काफी देर तक माइनिंग ही करी और मुझे जो डर्ट मिला उससे मैंने अपने एरिया को और बड़ा किया। उसके बाद मैंने अपने लिए वुडन की स्वॉर्ड एक्स और सवल तैयार कर लिया और मुझे जो डायमंड की लेगिंग्स और हेलमेट मिला था उसे मैंने पहन लिया। और गाइस अब मैं आधा डायमंड के आर्मर में तो कवर हो ही चुका हूँ और तब तक मेरे पेड़ भी ग्रो हो गए थे, तो मैंने इनसे वुड्स और सैपलिंग्स कलेक्ट कर लिया। और मेरे पे टोटल 11 सैपलिंग्स आ चुका था। उसके बाद मैंने एक हो बना ली और यहाँ पे जगह साफ करके मैंने इन सबको यहाँ पे प्लांट कर दिया। और फिर मैं वापस से माइन करने लगा और यहाँ एक रैबिट स्पॉन हो गया था, जो कि उछल कूद के नीचे ही गिर गया। गाइस ये तो तेजी में आया और तेजी में चला गया। उसके बाद माइन करते हुए मुझे एक और चेस्ट मिला, जिसमें कैरेट और कुछ सीड्स थे। और काफी देर माइन करने पर मुझे एक और चेस्ट मिलता है, जिसमें मुझे वाटर बकेट, सैपलिंग्स, आइस क्यूब और पोटैटोस मिल गए। और गाइस मेरी इन्वेंटरी फुल हो गई थी तो मैंने इन सबको चेस्ट में रख दिया और मैं दोबारा माइन करने लगा। और हमारा फेस वन भी खत्म हो गया था और फेस टू स्टार्ट हो गया था, जो कि अंडरग्राउंड था। उसके बाद माइनिंग करने पे मुझे आयरन मिल गया, लेकिन यार मेरे पे कॉपर स्टोन था नहीं, जिससे कि मैं स्टोन का पिकेक्स बना पाता, तो मैंने इसे वुडन के पिकेक्स से ही माइन किया। और जाहिर सी बात है मुझे आयरन नहीं मिला, लेकिन मुझे कॉपर स्टोन मिल गया था जिसे मैंने माइन कर लिया। और गाइस माइन करते करते यहाँ एक सीप स्पोन हो गया था। और गाइस अब यहाँ हम अकेले नहीं है, तो मैंने फटाफट फेंच बना लिया। मैं नहीं चाहता था ये भी नीचे गिर जाए और मैं इसे फेंच में कैद करने लगा, लेकिन यार ये बार बार भाग जा रहा था और मुझे इसे कैद करने में काफी प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन जैसे तैसे करके मैंने इसे फेंच के अंदर बंद कर दिया। उसके बाद मैंने स्टोन की पिकेक्स बना ली और उसकी हेल्प से मैंने काफी सारे आयरन और कोल को कलेक्ट किया। और गाइस यहाँ एक और सिप स्पोन हो गया था, जिसे कि मैंने दूसरे वाले के साथ बंद कर दिया। और गाइस अब हमारे पे 2 सिप आ चुका था। तो गाइस ये जगह काफी छोटी पड़ी थी और यहाँ पे एनिमल भी स्पोन हो रहे थे, तो मैं अपना फूड फार्म हटा के एक दूसरी जगह बनाने लगा ताकि मेरे पे स्पेस हो जाए। और गाइस फिर मैंने देखा मेरे बेस पे एक स्केलेटन आ चुका था, जिसे कि मैंने मार के नीचे फेंक दिया। उसके बाद मेरे पे जितने भी सीड्स थे उसे मैंने न्यू वाले फार्म में प्लांट कर दिया और दोबारा से आ गया था माइनिंग करने, जहाँ पे मुझे काफी सारे आयरन और कोल मिल गए। और माइन करते मुझे एक और चेस्ट मिलता है, जिसमें कुछ कोवेव्स और बोन थे। उसके बाद मैंने एक फर्नेस तैयार कर लिया और उसमें आयरन को स्मेल्ट होने के लिए रख दिया और टॉर्च बनाकर मैंने इस जगह पर थोड़ी रोशनी कर दी। और तब तक मेरे आयरन भी स्मेल्ट हो चुके थे, तो मैंने इसकी हेल्प से एक सीयर्स बना लिया। उसके बाद मैंने सीयर्स की हेल्प से सिप से वूल ले लिया और गाइस एक ही बार में इसने तो मुझे 3 वूल दे दिया था। और गाइस ये सिप बिना वूल के कितना अजीब लग रहा है, मैंने तो इसे नंगा ही कर दिया। उसके बाद मैंने एक बेड बना लिया और अब मैं आराम से सो सकता था, लेकिन अभी तो सुबह हो रहा है। उसके बाद मैंने माइन करना जारी रखा और यहाँ एक और सिप स्पोन हो गया था, तो मैंने इसे ऐसे ही रहने दिया और अपने माइनिंग को मैंने कंटिन्यू रखा, जहाँ पे मुझे काफी अच्छी अच्छी चीजें मिल रही थी। और भाई यहाँ एक और सिप स्पोन हो गया था, तो मैं इसे भी घूमने देता हूँ और अपने माइनिंग को जारी रखता हूँ।
जिसमें मुझे एक चेस्ट मिला और उसमें कोवेक्स और ग्रास था। और माइनिंग करके मैं आ चुका था फेस 3 में, जो कि केव था। और माइनिंग करने पे मुझे गोल्ड मिल गया, तो मैंने एक आयरन की पिकेक्स तैयार कर ली और उसकी हेल्प से मैंने गोल्ड को कलेक्ट कर लिया। और माइनिंग करने पे मुझे रेडस्टोन मिला और एक चेस्ट मिला जिसमें नेमटेक और फालतू के सामान थे। और मैंने माइनिंग को जारी रखा जिसमें मुझे काफी सारी चीजें मिल रही थी। और गाइस यहाँ एक स्केलेटन भी स्पॉन हो गया था जिसे मैंने नीचे फेंक दिया। और गाइस ये सब घूम घूम कर मुझे काफी ज्यादा परेशान कर रहे थे और यहाँ जगह तो थी नहीं, तो मैंने सोचा मैं इनके लिए फार्म बनाऊंगा। तो मैंने फार्म बनाना स्टार्ट किया। फार्म तैयार होने के बाद मैं विर दिखाकर इन सबको अंदर ले आया। और यहाँ एक ट्रेडर भैया भी थे जो कि ट्रेड में कुछ खास सामान नहीं दे रहे थे। उसके बाद गाइस मैं वापस आ गया था माइनिंग करने। और तुम सोच रहे होगे मैंने आगे के ब्लॉक क्यों हटा रखे हैं, तो वो तुम्हें आगे पता चल जाएगा। और गाइस माइनिंग करते करते मुझे यहाँ डायमंड मिल जाते हैं और माइनिंग करने में मुझे काफी सारे आयरन भी मिले। और देखो ये स्केलेटन भी स्पॉन हो गया, इसी वजह से मैंने आगे के ब्लॉक को खाली रखा है ताकि मैं एक बार में मार के इनको नीचे पहुंचा दूं। और मैंने काफी देर तक माइनिंग करके काफी सारा सामान कलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैंने अपने ट्री फार्म को भी थोड़ा बड़ा किया। और अपना रीफार्म तो बन के तैयार है। और यहाँ रात हो गई थी तो पहले मैं जाकर सो गया। और नेक्स्ट डे मैंने यहाँ से वीट को कलेक्ट कर लिया और सीड्स को दोबारा प्लांट कर दिया। और अभी हम अपने फूड के फार्म को भी बड़ा करेंगे। उसके बाद मैं वापस आ गया था माइनिंग करने जिसमें मुझे एक रियर चेस्ट मिली जिसके अंदर मुझे डायमंड की चेस्ट प्लेट, लेगिस और स्वॉर्ड मिली, जिन सबको मैंने ले लिया। उसके बाद मैंने चेस्ट प्लेट को पहन लिया और गाइस अब हमारे पे लगभग पूरा डायमंड का आर्मर आ चुका था। बस बूट सी रह रहे थे। तो यार अभी तक तुम वीडियो को देख रहे हो तो यार वीडियो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। उसके बाद मैं दोबारा माइन करने लगा और काफी सारा सामान कलेक्ट करके मैंने अपने फूड के फार्म को बड़ा किया। और गाइस इसे बनाने में और वीड्स को बड़ा करने में काफी टाइम लग गया। मैंने बोन मिल मार मार के इनको बड़ा किया जिसमें काफी टाइम लगा। उसके बाद मैंने फार्म से वीड कलेक्ट कर लिया और सिप्स को वीड देकर उनसे ब्रीडिंग कराने लगा। और अब मेरे पे काफी सारे सिप्स हो गए थे। तो गाइस हमने सर्वाइव कर लिया है इस वन ब्लॉक में 40 डेज। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो तुम्हें अच्छी लगी तो यार वीडियो लाइक कर दो, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। मैं एम करता हूँ 200 लाइक्स का। और अभी तक तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।